नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबा दें, ताकि हम जब कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके और तुरंत वीडियो को देख सकें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस साल RBSE में NCERT का सिलेबस रहेगा, तो हम NCERT के नाइन्थ क्लास के मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट को लेकर आए हैं, जिसका नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम संख्या पद्धति की परिभाषा देखते हैं। संख्या पद्धति परिभाषा देखिए, एक ऐसी पद्धति जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या व उनके मध्य संख्या और नियमों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, संख्या पद्धति कहलाती है। मतलब क्या दोस्तों, ऐसी पद्धति होती है, सिस्टम होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार की संख्या जिसमें बहुत सी संख्या होती हैं और उनके मध्य संबंध, उनके संबंध नियम होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है, तो हमें उन्हें संख्या पद्धति कहते हैं। अब चलिए दोस्तों, अगला हमारा है, इसमें संख्या आती है प्राकृत संख्या, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ प्राकृत संख्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, नेचुरल नंबर्स। ये परिभाषा देखिए, वे संख्या जो गणना करने में प्रयुक्त की जाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है, जो गिनने योग्य हो दोस्तों, जिसे इसे एन से शो करते हुए कि प्राकृतिक इंग्लिश में नेचुरल करती है। यहाँ पे ये प्रकृति करें कि 1, 2, 3, 4, ये इसके उदाहरण, ये गणना योग्य है। जैसे दोस्तों, यहाँ पे जो संख्या गणना में उपयोग में ली जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये अनंत चलती हैं। अब हमारा अगले टॉपिक है दोस्तों, क्या है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या कहते हैं, होल नंबर से। इस परिभाषा देखिए दोस्तों, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। दोस्तों, प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी है देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्या ये है 1, 2, ये सभी प्राकृतिक संख्या है, 1 से लेकर आगे तक ये सभी प्राकृतिक संख्या है। परंतु अगर 1 से पहले इससे में 0 भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या बन जाती है। इससे हम डब्ल्यू से शो करते हैं, क्योंकि पूर्ण मतलब मीन से बहुत। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, पूर्णांक इंटीजर्स। सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। पूर्णांक संख्या होते हैं सभी पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, जैसे पूर्ण संख्या ये 1, 2, ये पूर्ण संख्या सभी, ऋणात्मक संख्या ये -3, -2, ये सभी पूर्ण ऋणात्मक संख्या, इन दोनों को मिलाकर जो संख्या होती है उसे वह पूर्णांक कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, यहाँ पे 1, 0, 1, 2, 3 पूर्ण संख्या भी, और ये जो -3, -2, -1 है ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या है, इसे हम ऐसे शो करते हैं। अगला हमारा दोस्त है, पूर्णांक भी दो प्रकार के दोस्तों, ये एक तो होता है धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीग्रेट। सभी प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक रहती है, जो प्राकृतिक संख्या होती है वह धन पूर्णांक कहलाती है। आपको पता है कि 1, 2, 3, 4 ये सभी होती है प्राकृत संख्या, धन पूर्णांक कहलाती है, इसे हम i+ से दर्शाती हैं। अगला हमारे दोस्तों, ऋण पूर्णांक नेगेटिव इंटीग्रेट। सभी ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या कहलाती है, इसे हम i- दर्शाती हैं, 0, 1, 2, 3, 3, ऐसे ऋणात्मक संख्या ऋण पूर्णांक कहलाती है। तो दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है परिमेय संख्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से समझना दोस्तों। परिभाषा देखिए दोस्तों, वे सभी संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। क्या दोस्तों, पी बटा क्यू में व्यक्त किया जा सके वे संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए पी बटा क्यू पूर्णांक और ये क्यू 0 के बराबर नहीं है। परिभाषा ये भी देख सकते, वे सभी संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकते हैं जहाँ क्यू बराबर नहीं है 0 के या शून्य के परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 5, -2, 4/5, 0 आदि परिमेय संख्या हैं। दोस्तों, यहाँ भी देखिए, 5 को हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 5/1, ये हो गया पी बटे क्यू के रूप में हो गया दोस्तों, ये इस पर -2 को भी लिख सकते हैं, 4/5, ये 0 ये भी है। अब हमारा टॉपिक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखिए दोस्तों, और इसमें इरेशनल नंबर्स। वे सभी संख्याएं जिन्हें पी बटा के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5 आदि पर अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 22/7 3.14 पाई के लगभग के बराबर है। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर। वे सभी संख्याएं जो
या तो प्रमेय और अप्रमेय वाच्य संज्ञा कहलाती है। तो इसी प्रकार प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह, प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। अब प्रमेय और अप्रमेय सभी संख्याओं मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों सम संख्या है। तो हम सम संख्या प्रति हम सम संख्या कौन कौन सी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। सम संख्या होती है इवन नंबर्स, वे सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित तो हो जाती है, सम संख्या कहलाती है। जो संख्या दो से विभाजित होती है वह सम संख्या कहलाती है। उदाहरण दो चार छः आठ सम संख्या हैं, जीरो भी सम संख्या में, दो चार छः आठ दस। अब विषम संख्या क्या है दोस्तों, वे सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित होती है विषम संख्या कहलाती है। जो संख्या दो से विभाजित होती है वह तो सम संख्या, जो दो से विभाजित नहीं होती है वह विषम संख्या कहलाती है। जब उदाहरण एक तीन पाँच सात नौ दस, नौ ग्यारह दस नहीं दोस्तों, नौ ग्यारह तेरह, इस प्रकार। अब हमारे दोस्तों टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन होती है, प्राइम नंबर। वे सभी संख्या जो एक वह स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्ण विभाजन अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण है दो तीन पाँच सात ग्यारह अभाज्य संख्या है। तो क्या है, वे संख्या जो एक वह स्वयं के अतिरिक्त एक और किसी और स्वयं स्वयं के अतिरिक्त अन्य की संख्या से पूर्ण विभाजन है वह अभाज्य संख्या कहलाती है। दोस्तों इसमें दो को अभाज्य संख्या में संबंधित किया जाता है। जो दो एक से विभाजित होता है खुद दो से होता है और दो किसी विभाजित नहीं होता। तीन दोस्तों तीन से होता है और एक से होता है। पाँच भी एक से विभाजित होता है और पाँच होते हैं, इसी वजह से भी अभाज्य संख्या ये हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। वे सभी संख्या जो एक संख्या के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित अभाज्य संख्या लगती है। ये वे संख्या होती है जो एक और स्वयं के अतिरिक्त एक ऐसी संख्या एक अन्य संख्या ऐसी संख्या और होती है जिससे वे भाज्य संख्या विभाजित होती है। जैसे आठ दो से विभाजित होता है, एक से होता है, इसमें आठ से होता है, चार से भी होती है, नौ तीन से होती है, एक से होते हैं, खुद नौ से होते हैं, इस प्रकार ये एक वस्तु के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।